Hello everyone. So let us continue the chapter wind, storms and cyclone. In our last video we have seen the concept of air exerts pressure. So the importance of air pressure is it creates wind. The difference in atmospheric pressure gives rise to the wind on earth. Then next importance is it influences the weather air movement. मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ये मानसून की हवा चल रही है या फिर समर सीजन का है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर की वजह से क्लाउडी क्लाइमेट क्रिएट होता है या फिर क्लियर स्काई होता है, उसके वजह से बारिश होती है. ये सब क्यों होता है, एयर प्रेशर की वजह से. एंड नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्टिंग. द चेंजेस इन द एयर प्रेशर gives important clues for weather forecasting. हमने weather study करते हुए देखा था कि weather forecasting क्यों जरूरी है. अगर कहीं बारिश होने वाली है या फिर कहीं तूफान आने वाला है, तो वो सारी चीजें air pressure की वजह से पता चलती है. Air pressure का study चलता है, इसकी वजह से हमें पहले ही पता चल जाता है कि वेदर फोर मतलब क्या कैसा वेदर होने वाला है किसी स्पेसिफिक जगह पे, कोस्टल एरियाज में कैसा वेदर होने वाला है, है ना. देन नेक्स्ट इज द एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो फर्स्ट एयर प्रॉपर्टी इज हाई विंड अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सी, एक बॉटल लेनी है, एम्प्टी बॉटल. उसका जो माउथ है वहां पर हम एक पेपर लेंगे, उसको क्रम्बल करके उसका बॉल बना के वो जो पीस है क्रम्बल बॉल पीस, वो एम्प्टी बॉटल के माउथ के बाहर रख देंगे. ठीक है, अब माउथ के बाहर रख दिया, उसके बाद क्या करना है, हमें एयर ब्लो करनी है. एयर ब्लो करने से क्या होगा, अगर मेरे माउथ और बॉटल के बीच में कुछ डिस्टेंस है, वहां का जो एयर है वहां पर जो क्या होगा, विंड क्रिएट होगी. विंड की वजह से जो है उसका स्पीड हाई होगा. ठीक है, हाई स्पीड होने की वजह से वहां पर एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो हमने बॉल वहां पर रखा हुआ है पेपर बॉल, वो अंदर नहीं जा रहा है. अब ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे, इन दैट एम्प्टी बॉटल देयर इज नो स्पीड, है ना. वहां पर एयर है बट वहां पर स्पीड नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट high speed wind accompanied by reduced air pressure. Okay, now the next air property is the flow of air. When the speed of wind increases, it lowers down the air pressure. Therefore, we can say that air flows from a region of high pressure to low pressure. अब ये जो high pressure से low pressure के तरफ wind जो है वो flow करती है. इसको समझने के लिए हम और एक example ले लेते हैं. जैसे एक बलून, दो बलून्स जो है लेने हैं, उसको हम एक रॉड के ऊपर बांध देंगे. ठीक है, अब उन दोनों बलून्स में कुछ डिस्टेंस होगा, राइट. अब उस डिस्टेंस में से हमें क्या करना है, एयर ब्लो करनी है. अगर बीच में से अगर हम एयर ब्लो करेंगे, व्हाट विल हैपन, जो एयर हमने बीच में ब्लो करी है उसकी वजह से वहां का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा. और जो साइड में जो बलून्स के साइड में जो एयर है उसका वहां पर क्या है, हाई प्रेशर है. तो वो जो हाई प्रेशर की वजह से बलून, हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि बलून्स जो है वो हमारे माउथ की तरफ, टुवर्ड्स आवर माउथ वो फ्लो करेंगे. क्यों, क्योंकि बीच में जो है एयर का प्रेशर कम हो गया और साइड में जो है वो एयर प्रेशर ज्यादा है. अब वो जो साइड वाली एयर है, हाई प्रेशर एयर से हमारी तरफ वो जो एयर फ्लो हो जाएगा. ठीक है, यह है सेकेंड एयर प्रॉपर्टी. देन द थर्ड इज द स्पीड ऑफ एयर और विंड. द स्पीड ऑफ एयर और विंड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ टू रीजन्स. इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इंक्रीजेस, द स्पीड ऑफ एयर ऑल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉट एयर एंड कोल्ड एयर. वेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपांड्स. As a result, it occupies more space and become lighter in weight. Therefore, we can say that
Warm air is light in weight and cold air is heavy. तो यहाँ पर हम explanation के लिए क्या कैसे इसको समझेंगे कि air molecule, air जो है वो molecules की बनी हुई है, right? ऐसे छोटे छोटे अगर हम dots देंगे यहाँ पर तो वो molecules की बनी हुई है. जैसे ही उसको heat मिलती है तो वो क्या होता है, वो जो उसके उस वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. इट एक्सपांड्स एंड इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, है ना, वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड इट बिकम्स लाइटर. सो वी कैन से दैट वार्म एयर जो है वो लाइट इन वेट एंड कोल्ड एयर इज हेवी इन वेट. टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन टेक अ बाउल and add some water in it and boil it, है ना, boil करेंगे. If you boil that, what will happen? The air, the vapors, जो उसमें से जो vapors निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी. वो नीचे जा सकती है क्या? जी नहीं, वो नीचे नहीं जाएगी, वो always ऊपर ही जाएगी. तो ये आप समझ सकते हो कि वो light है इसलिए वो ऊपर चली जाएगी. ओके, तो ये properties हमने study कर ली. Yes, students. Here we are completing this video. In this video, we had understand the properties of air. अब इसको understand करने की वजह से हम आगे और भी concept जो है वो clear होते जाएंगे. So thanks for watching this video. If you like, please like button and please subscribe my channel to get more updated videos. Okay? Thank you.